हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आजकल रेगुलर ब्लॉग बनाने का मौका मिल जा रहा है तो रोज ब्लॉग बना दे रही हूँ। हालांकि मेरे ब्लॉग में मैं एक जगह बैठ के आप लोगों से अपने मन की बातें करती रहती हूँ, क्या मैंने किया वो बताती रहती हूँ, क्या नया इसने सीखा वो बताती रहती हूँ, और मैं आप लोगों को अपने घर का कोई इधर से उधर कॉर्नर नहीं दिखाती हूँ, कोई गतिविधि ऐसी एक्स्ट्रा नहीं दिखाती हूँ। लेकिन मुझे इसमें भी मज़ा आता है और आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है, तो बस यही मेरे लिए ब्लॉगिंग है। मैं इसी को इन्जॉय करती हूँ और पर्टिकुलर इसके लिए टाइम भी निकालती हूँ। और कपड़े वपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है कि इसको क्या कोई शूट करेगा मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं करती हूँ, बस करो यार दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं अक्सर मेरे चैनल को लेके, चैनल के बारे में उनको कुछ कुछ जानना होता है, तो हालांकि बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है और एक दो जगह मुझे खुद को कन्फ्यूज़न है। दोस्तों, मैं खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि ये चैनल में क्या होता है। मैंने बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ देखे लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई है। और मैंने एक दो लोगों को पर्सनली जो मुझे बहुत मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन देते हैं, मुझे कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं कि आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये वो फलाफला, और वो काफ़ी मुझसे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, मतलब अच्छे खासे लोग हैं, डेवलप्ड हैं यूट्यूब में। शायद लॉकडाउन के टाइम में उन लोगों ने चालू किया था तो उनको काफ़ी कुछ नॉलेज है, तो जब वो मुझे कुछ कमेंट करते हैं, मैं उन्हें मैसेज करती हूँ या कुछ पूछना चाहती हूँ तो वो रिप्लाई करना बंद करते हैं, इवन कमेंट करना भी बंद कर देते हैं। तो अब क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि कोई किसी को ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता या कोई गाइड नहीं करता, आई डोंट नो। लेकिन मुझसे आप लोग जब भी कुछ पूछते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूँ, और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ऐसे ही कुछ बीते दिनों में हुआ, कुछ कन्फ्यूज़न था मुझे मेरे चैनल को लेके, जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो मैंने एक दो लोगों को इंस्टा पर डीएम भी किया जो बहुत मुझे कमेंट वगैरह करते थे, पर उन लोगों ने तो इनफैक्ट उसको देखा भी नहीं और रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने मेल भी किया, उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। सो मेरा अभी कन्फ्यूज़न वहीं का वहीं है, और अब वो कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, ये मैं नहीं जानती। इनफैक्ट यूट्यूब की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप ये चीज़ें कर लीजिए, ये भी इंक्लूड कर लीजिए, इससे भी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जब आप उनसे भी कुछ पूछोगे रिप्लाई करके कुछ, तो वो आपको कोई आंसर नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकता है सभी के साथ होती हो, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना मुझे नॉलेज था, मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने अपना डाला था यूट्यूब को लेकर, वो दे दिया है एडसन को लेकर, उसके बाद मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा है, इनफैक्ट कन्फ्यूज़न ही बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और वो कन्फ्यूज़न का जो मेरा जो ऐसे ग्राफ जा रहा था वो अब ऐसे आ रहा है क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। सो उसे इग्नोर करते हुए मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ, जो जब होना है उसे होने दो। सो उन बातों को इग्नोर करते हुए आज फिर से मैं एक चीज करने जा रही हूँ उत्कर्ष के साथ। मैंने देखा है कई सारे बच्चे इस चीज को एंजॉय करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उत्कर्ष की गतिविधि को एंजॉय करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष की मैम ने आज इसे कुछ राइमिंग वर्ड्स कैसे बनाते हैं या क्या, मैं किचन में काम करते करते सारा इनका कन्वर्सेशन सुनती हूँ, क्या मैडम पढ़ा रही है, क्या क्या कर रही है, मैं सब सुनती हूँ। तो आज मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया है तो उसी का मैं टेस्ट लूंगी, राइमिंग वर्ड्स, इनके जो चैप्टर में वर्ड्स दिए होते हैं उससे मिलते जुलते शब्द बनाने होते हैं जो मीनिंगफुल हो, कुछ भी अगड़म भगड़म अंटजंट नहीं। तो मैं वही इनसे टेस्ट लूंगी, इससे इनकी भी वोकैबुलरी बढ़ेगी, प्लस इनका जो है कितना ये ध्यान से पढ़ते हैं अपनी क्लास में ये पता चल जाएगा। तो रेडी हो? यस। आई हाय। टेस्ट से पहले उत्कर्ष ने पूछ दिया है, मे आई गो टू टॉयलेट मम्मा। ऐसे ही जब इसकी मैडम क्लास लेती हैं तो इतने सारे बच्चे उस टाइम पे पूछते हैं, चले जाते हैं, तो मैडम कहती है 40 मिनट की क्लास में तुम लोग इतनी बार पूछ पूछ के जा रहे हो, सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट एक के बाद जाते हैं। उत्कर्ष भी धीरे से मुझे ऐसी उंगली दिखाते हैं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिलना है, 40 मिनट तक बिल्कुल रोक के रखो, तुमको पढ़ाई करना है या तो पहले जाओ या फिर बाद में जाओ, इतनी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। लेकिन बाकी बच्चों का जैसे ये सुनता है ना तो कहता है किसी की मम्मा नहीं रोकती, आप मुझे क्यों रोक रही हो। और मैं उसको समझाती हूँ बेटा ये 40 मिनट ही तो मैडम तुम्हें पढ़ाती हूँ, और इतने अच्छे से मैम एक्सप्लेन करती हैं बेटा, वो तो हम भी नहीं कर पाते हैं, तो एक भी चीज पॉइंट भी तुम्हारा मिस हो जाएगा, मैडम उसे दोबारा नहीं दोहराएंगी, और फिर तुम मम्मा से पूछोगे तो मम्मा से बनने वाला नहीं है। रेडी? ये तुम्हारे दांत अभी टूटे हैं तो ज्यादा स्माइल मत किया करो। ओके। तुम्हें और मेरे कान पे नहीं चिल्लाना। पहले पूछती हूँ लौंग। लौंग टॉन्ग सॉन्ग। तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? सेकेंड वर्ड थिंक। थिंक थिंक रिंक। अच्छा रिंक का क्या मतलब होता है? रिंग रिंग रिंग। अच्छा रिंग, कुछ गड़बड़ है इसमें? गड़बड़ है, गड़बड़ है, सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारे फेस से लग रहा है गंदे बच्चे।
मैडम को ये वीडियो भेजेंगे। नहीं नहीं, पिंक और सिंक दो मीनिंगफुल वर्ड बोला है, कुछ भी बोल दो। टिंक सिंक डिंग डिंग डिंग, क्या है ढबला? तुम्हारी रिजल्ट ऐसा आया ना, सोच लियो। अच्छा ठीक है, तीसरा तीसरा पूछते हैं। फेस फेस लेस फेस। ओके गुड, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बेटा। हेयर हेयर टूल। चिकू, हेयर में टूल कहाँ से आ गया बेटा? फेयर डेयर, कुछ देर, कुछ ऐसा पढ़ा रही थी ना मैम। बेटा डब्बा गोल है, सबको पता चल जाएगा। नाक कटा दे रहा है लड़का आजकल मेरी एकदम। बेटा तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वेरी बैड। छी छी छी, चलो एक मौका और देते हैं। सोप 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 नहीं, सोप 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 साबुन। सोप रोप हाँ और होप। बहुत मेरी होप को बड़ा धक्का लगा है। जो तुमने परफॉर्मेंस दिया है उससे मम्मा ना खुश है। आपकी पनिशमेंट है, अभी आप कम से कम 10-10 टाइम सबको लिखोगे सारे राइमिंग वर्ड। ओके ओके। और मार्क्स पूछ रहे थे ना कि मम्मा कितने मार्क्स दोगी, 10 में से ओनली 2। चलो इसी निराशा के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा मैंने काम फैला के रखा था, तो इनने तो पूरा उत्साह चौपट कर दिया है। सो ये करेंगे अपना रिविजन, मैं करूंगी काम, और मौका मिलता है तो फिर से दोबारा आप लोगों से मिलती हूँ। ब्लॉग की एंडिंग फिर शाम को ही करती हूँ, रात में करती हूँ, तभी अच्छा लगता है कि हाँ पूरा एक दिन स्पेंड किया। मैं तो आपको ही दिए थे मम्मा पनीर में, पर आपके अभी बस कल ही परसों दिए थे मैंने। तो मुझे छोटी छोटी जो कारें हैं वो इस तरह के डब्बों में करके दे दो, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी अलमारी में हम जमा देंगे। इस तरह के डब्बों में करके दे दो, ये पर्पल का डब्बा ले लो, इसमें करके छोटी छोटी कार सब जमा दो, ठीक है, अलमारी आपकी जम जाएगी। और बाकी की यहाँ जब तक हम डस्टिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, सब चीजें आपकी जमा देंगे फटाफट। ये वाटर एनिमल है, इनको अलग डब्बे में रखो, और ये वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल है, इनको अलग रखो। सो दोस्तों, उत्कर्ष की पढ़ाई वढ़ाई हो गई, मेरे भी बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारी चीजें अरेंज कर ली हैं मैंने, और मैंने डिनर भी बना लिया है। अब बस हम लोग डिनर करके सोने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं ब्लॉग एंड कर दूँ, नहीं मैं भूल जाऊंगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और कमेंट के जरिए अच्छे अच्छे सजेशंस देते रहिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। दोस्तों मैं भी जो भी गतिविधि करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के साथ बातें शेयर करके। तो बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड नाइट। नहीं, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा।